राहुल, 24 अक्टूबर का वक्त बहुत कम बचा है। 24 अक्टूबर को दशहरा है और अपना लोग आसपास के गांव के लिए रावण का निर्माण करके देती हैं। ये जो हरे वाले रावण का सर है ये केजरीवाल जी के गांव में जाएगा और राहुल तुम जिस रावण के सर का निर्माण कर रहे हो ये अमित शाह जी के यहाँ पे जाएगा। 24 तारीख को इस रावण का दहन होगा, जल्द से जल्द तैयार कर दो, अमित शाह जी लेने के लिए आते ही होंगे रावण को। मोदी जी बेफालतू की बात तो करो मत, मैं पूरी लगन से इस रावण के निर्माण में लगा हुआ हूँ और अभी तो 24 तारीख का वक्त है, तब तक मैं इस रावण का पूरी तरीके से निर्माण कर दूंगा। फिर 24 तारीख को ही तो इस रावण का दहन होगा। अमित शाह अभी नहीं आएंगे, मैंने फोन करके उनसे कह दिया कि परसों को इस रावण को लेने के लिए आना, अभी रावण का निर्माण नहीं हो पाया है। वैसे मोदी जी एक बात बताऊं, आपको इस रावण को बनाने की कला बहुत अच्छी तरीके से आती है। आसपास के गांव के लोग अपना लोगों से ही रावण का निर्माण करवाने के लिए आते हैं दशहरे के मौके पर। रावण मैं अच्छी तरीके से रावण का निर्माण करता हूँ, तभी तो लोग आसपास के गांव के मेरे पास रावण का निर्माण करवाने के लिए आते हैं दशहरे के मौके पर। अब ये देखो, ये पिंक सर वाले रावण का निर्माण कर रहा हूँ मैं। इस रावण को राजनाथ सिंह जी के गांव में भेजा जाएगा, वहां पर इसका 24 तारीख को दहन होगा। लालू जी एक बात बताओ, राहुल भी मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ रावण के निर्माण में, तुम कैसे कमर पे हाथ धरे हुए खड़े हुए हो? केजरीवाल जी आने ही वाले होंगे रावण को लेने के लिए। मोदी जी एक बात बताऊं, आप तो बेफालतू में आपस मचाए हुए हो, अभी 24 तारीख का वक्त है, केजरीवाल जी अभी से इस रावण को अपने गांव में ले जाके क्या करेंगे? अरे दशहरे से पहले इसका दहन थोड़ी करवा देंगे। केजरीवाल जी के गांव के लोग दशहरे के दिन 24 तारीख को ही तो इस रावण को दहन करेंगे। वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, सबसे अच्छा रावण का सर मेरा लग रहा है, देखो हरा वाला रावण कितना खूबसूरत लग रहा है, केजरीवाल जी इस रावण को देख के खुश हो जाएंगे। लालू जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, अच्छे बुरे का क्या मतलब? दशहरे का दिन अच्छाई की बुराई पर जीत है, ये रावण का सर अच्छा बने या बुरा बने इसको तो 24 तारीख को दहन ही होना है। इन सब लोगों के रावण का निर्माण हो जाए फिर अपने गाँव के लिए भी एक रावण का निर्माण करना है, क्योंकि अपने गांव में भी दशहरे के दिन रावण का दहन करना पड़ेगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बेटे राहुल, मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, लालू जी दावत खाने के लिए आने ही वाले होंगे, क्योंकि आज अपना लोगों ने उनकी दावत की है और घर में कुछ राशन पानी है नहीं। जा केजरीवाल जी की दुकान से 1 किलो बासमती चावल ले आ और छोले और दाल ले आ, जल्दी जा। मम्मी जी ये सब लोग दावत खाने के लिए आने वाले क्या होंगे, ये देखो लालू जी तो आ गए और अभी तक आपने कोई भी पकवान बनाना शुरू नहीं किया है। अरे केजरीवाल जी की दुकान से मैं दाल चावल और छोले ले तो आऊंगा बनाने के लिए, लेकिन ये बताओ उसके पैसे कौन देगा? पैसे तो दो, पिछले ही पैसे उन्हें नहीं दिए, 3,000 रुपए उनके पिछले आ रहे हैं अपने ऊपर। कोई बात नहीं, 3,000 रुपए आ रहे हैं, 4,000 रुपए हो जाएंगे, 1,000 रुपए का सामान और लिया, जल्दी से दाल चावल ले जल्दी से, मैं पकाने के लिए रख दूं। लालू जी आप भी इतनी जल्दी दावत खाने के लिए आ गए, मैंने कहा था कि कम से कम 3 बजे आना। बहन सोनिया जी मैंने सोचा आपने पकवान बना के तैयार रख लिए होंगे हमारे लिए, और मैंने सोचा मोदी जी, योगी जी, अखिलेश भी आ गए होंगे, लेकिन वो कोई दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे, वो अभी नहीं आए। नहीं लालू जी अभी तक वो तो आए नहीं है, कोई भी आप ही आए हो, आराम से चलो बैठ जाओ जाके अंदर कमरे में, तब तक मैं सामान लेके आता हूँ केजरीवाल जी की दुकान से, उसके बाद मम्मी जी आपके लिए दाल चावल और छोले बनाएंगी। क्या कर रही होगी जी अखिलेश, अभी तक बहन सोनिया जी ने कोई पकवान तो बनाया नहीं है, अपना तीनों लोग दीवार के ऊपर से देख रहे हो, लालू जी तो आ गए दावत खाने के लिए, अपना भी चले घर के अंदर क्या? मोदी जी एक बात बताओ, अभी से अपना लोग दावत खाने के लिए अंदर घर में जाके क्या करोगे बहन सोनिया जी के यहाँ पे? क्योंकि ये अभी तो राहुल को सामान लेने के लिए भेज रही है दाल चावल और छोले, जब राहुल केजरीवाल जी की दुकान से दाल चावल कच्चे लेके आएगा उसके बाद बहन सोनिया जी दाल चावल बनाएंगी, उसके बाद अपना लोगों को दावत खाने के लिए मिलेगी, तभी अपना लोग राहुल और बहन सोनिया जी के घर के अंदर चलेंगे। लालू जी तो अभी से चले गए उनके घर के अंदर, अभी से अपना लोग जाके क्या करोगे? लेकिन योगी जी, मोदी जी एक बात बताओ, ऐसे दीवार पे कब तक पड़े रहोगे? मेरा मतलब दीवार के बाहर कब तक खड़े रहोगे बहन सोनिया जी के घर के बाहर? जैसे लालू जी बहन सोनिया जी के घर के अंदर चले गए, वैसे ही अपना लोग भी चल रहे, दावत तो अपना लोगों की है बहन सोनिया जी ने, कुछ देर में वो दाल चावल बना लेंगी, उसके बाद अपना लोगों को खाने के लिए मिलेगा, चलो चलते हैं घर के अंदर। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई झींगा मछली लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। एक तो आजकल झींगा मछली बेची लोगों को नहीं मिल पा रही है, बड़ा मुश्किल से तो अपना दोनों लोग समुद्र से इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहा है।
इससे तो इन झींगा मछली को मछली बाजार बेचने के लिए ले जाते तो अच्छा होता। मोदी जी इंतजार तो करो, आप तो आपस मचा के रख देते हो। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए अपना लोगों को समुद्र से इन झींगा मछली को लाए हुए, 5 मिनट पहले ही अपना लोग यहाँ पे आके बैठे। इन झींगा मछली को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, वो देखो अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, देखो यहीं पे चले आ रहे हैं। अरे मोदी जी, राहुल जी, ये तो झींगा मछली है, झींगा मछली तो आजकल भैंसी खाने को नहीं मिल पा रही है, क्या राइट बेच रहे हो झींगा मछली को? लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 500 रुपए किलो लगा दूंगा। लालू जी आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 50 रुपए किलो लगा दूंगा इन झींगा मछली को, ले लो 1 किलो। समझ में नहीं आ रहा मोदी जी, राहुल जी, आप दोनों लोग झींगा मछली का रेट अलग अलग कैसे बता रहे हो? मोदी जी आप 500 रुपए किलो बता रहे हो और राहुल तो 85 रुपए किलो बता रहा है, इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया दाम में? राहुल मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो, तुम तो इन झींगा मछली को फ्री भाव में लोगों को दे दोगे। अरे इतनी मुश्किल से अपना लोग समुद्र से इस झींगा मछली को पकड़ के लाए, लोगों को जल्दी मिल भी नहीं पाती ये झींगा मछली, और तुमने 50 रुपए किलो का दाम लालू जी को बता दिया। अब तुम चुप रहे ना, मैं लालू जी को समझा देता हूँ कि राहुल के मुंह से धोखे से 50 रुपए का भाव निकल गया था। मोदी जी बराबर का पार्टनर हूँ मैं इन झींगा मछली में आपके, समुद्र से अपने दोनों लोग इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, मैंने जानबूझ के रेट बताया 50 रुपए किलो, मैं तो इतना महंगा झींगा मछली को नहीं बेचूंगा। तो मोदी जी, राहुल जी आपस में झगड़ क्यों रहे हो? आप दोनों लोग झींगा मछली को समुद्र से पकड़ के लाए हो, दोनों लोग बराबर हिस्से में आधी आधी झींगा मछली को बांट लो, जिसको जो रेट बेचना है वो अपने रेट में बेच देना। हाँ मोदी जी, अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन झींगा मछली का बंटवारा कर लो, मैं अपने रेट में लोगों को बेचूंगा, तुम अपने रेट में लोगों को बेचना। राहुल कोई बात नहीं है, आधा आधा बांट लेते, तुम यहीं पे 50 रुपए किलो बेचो, मैं अपनी इस आधी झींगा मछली को ले जाके मछली बाजार में महंगे रेट में बेचूंगा। देखो मोदी जी, मैं अपनी आधी झींगा मछली को फ्री में बेचूं या कम रेट में बेचूं या ज्यादा रेट में बेचूं या इन झींगा मछली को दोबारा समुद्र में जाके छोड़ाऊं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, मेरी आधी झींगा मछली मुझे बांट के दे दो, और वालों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा मोदी जी, मुझे पहले एक बात बताओ, इस नहर को कितना चौड़ा करना है? इतनी ज्यादा खुदाई तो कर दी अपना लोगों ने इस नहर की, अब तो आराम से इस गांव की नहर में पानी आ जाएगा, अब आप नहर को और ज्यादा चौड़ा और गहरा क्यों करवा रहे हो? राहुल तुम तो बेफालतू की बात करो मत, इस नहर का ठेकेदार मैं हूँ या तुम हो? अगर नहर की ज्यादा चौड़ाई और गहराई नहीं करी गई तब तक नहर में ज्यादा पानी नहीं आएगा, और जब नहर में ज्यादा पानी नहीं आ पाएगा तो गांव के सारे किसान सही तरीके से खेतों की सिंचाई नहीं कर पाएंगे। और योगी जी एक बात बताओ, राहुल तो नहर की खुदाई कर रहा है, तुम यहां पर क्या नहर की सिर्फ खुदाई देखने के लिए आए हो? जल्दी से नहर की खुदाई शुरू करो। मोदी जी कर तो रहा हूं नहर की खुदाई, अभी तो करके हटाऊं नहर की खुदाई, आप थोड़ी देर खड़ा होने भी नहीं देते हो। इस नहर की खुदाई करते करते बिल्कुल शरीर में दर्द होने लगा, लेकिन क्या करूं, नहर की खुदाई करना पड़ेगी, और अगर मैं सही से नहर की खुदाई नहीं करूंगा तो आप पैसे नहीं दोगे मजदूरी के। ये तो तुम ठीक कह रहे हो राहुल, जब तक तुम नहर की सही तरीके से खुदाई नहीं करोगे तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। देखो राहुल कितनी अच्छी तरीके से नहर की खुदाई कर रहा है, मैं नहर की खुदाई का ठेकेदार जरूर हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ भरपूर मेहनत करके तुम्हारे साथ नहर की खुदाई करता हूँ। और लालू जी तुम कैसे बैठे हो यहाँ पर, किसका इंतजार कर रहे हो? इस बार खेत की फसल तुम्हारी कैसी हुई, अच्छी तो पैदावार हुई खेतों में? काम होते जी अच्छी फसल हुई, इस नहर में पानी आने का इंतजार कर रहा हूँ, कब नहर की खुदाई खत्म हो और इस नहर में पानी आए, सही तरीके से खेतों की सिंचाई हो नहीं पाई, उसकी वजह से खेतों में अच्छी पैदावार फसल की हुई नहीं, इसीलिए जब नहर की खुदाई होती होती है तो यहीं पे आगे मैं बैठ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कितनी जल्दी इस नहर की खुदाई हो जाए और जल्द से जल्द इस नहर में पानी आ जाए, नहर में पानी आएगा तो जल्द से जल्द मैं मक्का की बुवाई कर दूंगा खेतों में। लालू जी आप सब किसानों के लिए ही तो हम दिन रात देखो मेहनत कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस नहर की खुदाई पे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस नहर की खुदाई हो जाए और इसमें पानी आ जाए और आप जैसे किसानों की खेतों की सिंचाई हो जाए। राहुल योगी जी देखो, लालू जी नहर में पानी आने का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द नहर की खुदाई पूरी कर दो, जल्द से जल्द इसमें पानी आ जाए, सारे किसानों की सिंचाई हो जाए। और मोदी जी कितनी मेहनत करें, देखो मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको इस नहर की खुदाई जल्द से जल्द करवाना है तो कुछ मजदूर और बढ़वाओ, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।